त्योहार के बारे में, ओणम त्योहार के बारे में। कल के क्लास में ओणम कहाँ मनाते हैं, कैसे मनाते हैं, किस लिए मनाते हैं, है ना, इस स्टेज पे मनाते हैं, हाँ क्यों वही मनाते हैं, और हाउ मेनी डिफरेंस, क्या कर विच पर्पस के लिए मनाते हैं, आपको ये सब मालूम हुआ है। कल की क्लास ओणम केरल में मनाते हैं, वो हर कब मनाते हैं, हर साल एवरी साल दिसंबर महीने में मनाते हैं। क्यों मनाते हैं, वो राजा बलि के लिए लोगों का पब्लिक सजाना है, प्रॉफ और ईडन, है ना, प्रॉफ्ट और इसके लिए मनाते हैं। आज के लिए आज आपको इतना, कल क्लास में हुआ था, आगे थोड़ा चलेंगे, आगे क्या होता है, आगे का विषय आज की क्लास में मैं बताती हूँ। पेज नंबर 28 मैं पढ़ती हूँ, आप देखो। दादी, खाने के क्या क्या बनाया जाता है? दादी, तरह तरह के पकवान बनाया जाता है, जैसे आवियल, पालन, दाल, घी, सांभर, पापड़ा, केले के चिप्स आदि, दूध की खीर तो खास भोज है। केरल के कहते हैं कि केरल में दूध से आटा रहा प्रमुख के व्यंजन बनाया जाता है, भोज केले के पत्तों पर परोसा जाता है। लोग एक दूसरे के लिए दूसरे के घर जाते हैं और आपस में मिठाइयाँ और उपहार ले देते हैं। दादी, इस त्योहार के और क्या क्या विशेषता है? बेटी लोगों को मानना है कि इस दिन राजा बलि अपने प्रजा को देखने आते हैं, लोगों के स्वागत के लिए कई तरह के काम करते हैं, आंगन में उनकी मूर्ति सजाते हैं, घरों में रंगोली बनाते हैं, नए नए वस्त्र सिलवाते हैं, मंदिरों में उत्सव होते हैं। और एक बात पढ़ेंगे, दादी, खाने को क्या क्या मनाया जाता है? दादी, तरह तरह के पकवान मनाया जाता है, जैसे आवियल, पालन, दाल, घी, सांभर, पापड़, केले के फल, चिप्स आदि, दूध की खीर तो खास भोजन है। खाते हैं कि केरल में दूध से 18 प्रकार के व्यंजन बनाया जाता है, भोज केले के पत्तों पर परोसा जाता है। लोग एक दूसरे के घर जाते हैं और आपस में मिठाइयाँ और उपहार लेते देते हैं। दादी, इस त्यौहार की और क्या क्या विशेषता है? बेटी, लोगों का मानना है कि इसी दिन राजा बलि अपने प्रजा को देखने आते हैं, लोगों के स्वागत के लिए कई तरह के काम करते हैं, आंगन में उनकी मूर्ति सजाते हैं, घरों में रंगोली मनाते हैं, नए नए वस्त्र सिलवाते हैं, मंदिरों पर उत्सव होते हैं। देखो, अब ये सारा मतलब आपको बोलेंगे। कल कहाँ तक हुआ था? वो 10 दिन में 8 दिन गुरुओं से नवासी सिद्धांत करते हैं, नवे दिन में वो क्या विष्णु के आइडल बनाते हैं, नव दसवीं दिन वो और गणेश जी, लॉर्ड गणेश और लॉर्ड श्रवण के आइडल बनाकर उसे वामन रूप के विष्णु के गीत गाते हैं, सिंगर संग वामन रूप के गीतों को। आज अनुपुष्टि है, दादी, खाने को क्या क्या बनाते हो? के आप पूछे बोले हैं विष्णु 10 दिन पहले बनाते हैं दादी, और क्या क्या पकवान क्या क्या होता है, पकवान में हाउ मेनी डिशेस दिस फेस्टिवल को? हाँ दादी, तरह तरह के डिफरेंट ऑफ दिस फेस्टिवल फूड पकवान बनाया जाता है, तरह तरह के सो मेनी डिफरेंस रहता है, और जैसे आवियल, खालन, दाल, घी, सांभर, पापड़, देखो
स्वीट भी काला दाल मीन सांबार दाल घी में रहता है स्वीट वो भी घी भी स्वीट सांबार पापड़ पापड़ मीन्स पापड़ और केले के परदेसी चिप्स बनाना के चिप्स भी बनाते हैं। और एक बहुत इम्पॉर्टेंट दूध का खीर बनाते हैं वो भी एक इंडियन डिश स्वीट डिश वो दूध से केवल मिल्क से वो बनाते हैं वो केरल का बहुत इम्पॉर्टेंट वो डिश है वो स्वीट है। और कहते हैं कि केरल में केरल स्टेट में दूध से 18 प्रकार के व्यंजन बनाते हैं केवल मिल्क से 80 डिफरेंट फूड केवल मिल्क से ओनली मिल्क से 80 डिफरेंट फूड प्रिपेयर करते हैं। कहाँ केरल में ओनली केरल में वो बोच बोच मीन्स वो परोसते हैं ना और डिश जो खाने का वो केवल केले के पत्ते बनाने के पत्ते में पूरा फूड सजाते हैं वो क्या करते हैं अरेंजमेंट करते हैं। हाँ लोग पब्लिक क्या करते हैं एक दूसरे को हाँ एक दूसरे को फ्रेंड्स को लोग रिलेशन्स को सबको आपस में मीट करते हैं और स्वीट देते हैं स्वीट लेते हैं और गिफ्ट देते हैं गिफ्ट लेते हैं कहते हैं। और दादी को मानो पूछते दादी इस त्यौहार के और क्या क्या विशेषता है और क्या मोर डिफरेंस है दिस फेस्टिवल को और क्या क्या है और मेरी सोवी की डिफरेंस है क्या विशेषता है क्या पूछती है। दादी कहती है वो प्रार्थना कहती है बेटे छोटा सा चेल को बेटे लोग का मानना है लोग पब्लिक कहते हैं कि इस दिन डे राजा किंग बलि के दिस फेस्टिवल के डे का आता है प्रजा को देखने आता है लोगों को देखने आता है पब्लिक को देखने आता है और सिंह तो कौन ये राजा भली किंग भली सीधा इस लोगों को पब्लिक को देखने के लिए आता है लोग उनके स्वागत पब्लिक उसे वेलकम करने के लिए सो मेनी वर्क्स करते हैं। क्या क्या करते हैं आंगन में फील्ड में उसके आइडल बन सजाते हैं और घरों की रंगोली घर के सामने फ्रंट ऑफ घर में हाउस में रंगोली फूलों से सजाते हैं बनाते हैं नए नए कपड़े नए नए क्लॉथ लेते हैं सो मेनी नए नए क्लॉथ लेते हैं सिखवाते हैं मंदिरों के उत्सव होते हैं टेम्पल में उत्सव भी होता है। और इतना ही आज के दादी का है अनु क्या और क्या क्या डिश प्रिपेयर करते हैं और वो आज को पता लगा है आज को यू नो आज आपको समझाया गया है आज के ओनम के दिन में और सो मेनी डिफरेंस ऑफ क्या फूड प्रिपेयर होता है और आने के लिए सो मेनी कलरफुल और सजाते हैं घर में रहते हैं नए क्लॉथ लेते हैं और वेयर करते हैं अच्छे से टेम्पल को जाते हैं टेम्पल पर उत्सव ये सब केरल के 10 दिन में ये फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं। और आगे आज ही नहीं बस आगे के क्लास में क्या क्या होता है और क्या क्या विशेषता है आगे की क्लास में